Now, Punjabi singer Mika Singh has made quite a shocking revelation to India today. He says that Sidhu Moosewala has been speaking about the kind of death threats he's received to Mika against, at least for the last week or so, he's been mentioning that he fears stepping out, fearing for his safety. Mika has now suggested that Sidhu Moosewala be shifted to Mumbai. That was the suggestion that he had given to Moosewala. Unfortunately, he was gunned down before that. Let's have a listen to Mika Singh's exclusive conversation to India today. Mika Singh Singer is joining us on the phone line. Mika, how would you react to this absolutely tragic and shocking news that's come from Punjab? Sidhu Moosewala shot dead in cold blood in Mansa. No, I'm feeling very sad and bad because it is like, you know, kisi animal ko maarte hain aapne. Kisi janwar ko maaro ya raah chalte hain. Jo hum 30 saal pehle, you know, 30 years back we used to hear these kind of news. Ki aise gangster hote hain, aise kar dete hain. And this is 2022. This is what happening. I'm surprised. किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डर नहीं रहा, नोबडी स्केयर्ड, दे कैन किल एनीवन. अगर सेलिब्रिटी को मार सकते हैं तो आम इंसान को कितनी प्रॉब्लम होती होगी. एक सेलिब्रिटी की तो न्यूज भी आ जाती है, लेकिन आम जनता की तो न्यूज भी नहीं आ रही होगी, जो रोज ऐसे कोई भी किसी ने एक वेपन उठाया और किसी को गोली मार दी. तो आपका मानना है मीका, और बहुत ही घटिया बात है. बिल्कुल, बहुत ही शॉकिंग बात है. मीका, आपका मानना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठा देता है कि पंजाब में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए अभी क्या है, अब क्या पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिटिशियन का अपना है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा. बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं जी 3 साल, अभी जस्ट 4 दिन पहले ही उन्होंने सिक्योरिटी हटाई उनकी. अगर सिक्योरिटी हटाई है तो वाई दे टारगेट सिद्धू मूसेवाला? किसी और की डेथ क्यों नहीं हुई? सिंगर की ही डेथ क्यों हुई? कि ठीक है यार, एक सेलिब्रिटी को मारेंगे ताकि हम आपस में क्या पॉलिटिक्स का क्या चल रहा है वो हमें तो पता नहीं चलेगा. बट सबको पता है कि ऐसे लोग गैंगस्टर हैं जो पैसा मांगते हैं, हर हफ्ते उनको पैसा जाता है, सिंगर्स बेचारे डर डर के दे रहे हैं. ऐसे बहुत बड़ी आम बात होगी पंजाब में, बट इसलिए हो रही क्योंकि वो गैंगस्टर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं. जब बाहर आते हैं वो फिर अपना कांड करके फिर अंदर चल जाते हैं. ऐसे लोगों को आप कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं देते आप उसको? मीका, सिद्धू मूसेवाला के बारे में आप क्या बता सकते हैं हमको? लोग जानना चाहेंगे कि कितने बड़े स्टार थे वो. व्हाट अ यंग राइजिंग स्टार. जस्ट 3 ईयर्स के अंदर उन्होंने इतना बड़ा अपना नाम, इतना बड़ा मुकाम उन्होंने पैदा किया. आई थिंक मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ पंजाब में, वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग. इवन ड्रेक जो बहुत बड़े रैपर हैं, ही यूज टू फॉलो सिद्धू मूसेवाला ऑन इंस्टाग्राम. तो जिस बंदे ने इतना बड़ा पंजाबी म्यूजिक को यू नो वर्ल्ड वाइड वो लेके गए हैं और अच्छे लेवल पे लेके गए हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक लेके हैं, पूरा यूथ उनको फॉलो करता है, बहुत सच्ची सच्ची बातें अपने गानों में वो लिखते थे. ना कि सिंगर थे, बहुत अच्छे राइटर थे वो, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त थे, भाइयों की तरह थे. और कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनके बारे में मैं उनके मुंह से किसी की बुराई या कोई यू नो किसी को वो किसी की बुराई करते हो या ऐसे चुगली करते हो. वो अपने काम में मस्त थे और विद इन 3 ईयर्स उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया. और एक लौटा बेचारा बेटा है अपने पेरेंट्स का, पहले कनाडा में अच्छी खासी मेहनत कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के उन्होंने अपने गाँव में जाके उसी जगह पे जहाँ पे उनका छोटा सा घर था उसमें उन्होंने अपनी अच्छा घर बनाया अपने पेरेंट्स के लिए. तो क्या सक्सेसफुल होना, हिट होना जुर्म है? जुर्म है इतना बड़ा अपना नाम बना लिया और यही उनकी जान ले लेगा, और ये आज उनकी जान ले रहा है, कल को किसी की भी जान ले लेगा. मीका, व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने सिद्धू मूसेवाला से बात की और कुछ मेमोरीज बताइए? आपने बताया कि ही वाज योर वेरी क्लोज पर्सनल फ्रेंड. डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम यू स्पोक टू हिम? व्हाट वाज दैट कन्वर्सेशन? व्हाट मेमोरीज कैन यू शेयर विद अस? अभी जो पिछले हफ्ते मुंबई आए थे एंड मुंबई में वो यही मुझे बता रहे थे और हमारी बात नहीं हो पाई बिकॉज मैं शूटिंग में था. तो मैंने उनको ये भी बोल दिया था कि यार तो जब भी तू आता तो मेरी गाड़ी यूज कर और मेरे घर पे रहा कर, क्योंकि मेरी भी मैं मजाक में बोल रहा था कि मैं छड़ा हूँ, शादीशुदा नहीं है, तो आप जब मर्जी मेरे घर पे आओ, रहो, चिल करो. एंड वो यही बात बोल रहा था कि पाजी मैं तो मुंबई में घूम रहा हूँ यार, तो कोई टेंशन ही नहीं यार, अकेला गाड़ी में घूमू, कोई बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बंदा घूर के नहीं आपको देख रहा. तो मैंने यही बोला था कि यार आने वाले टाइम में तो इधर ही रुक जाकर, मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा हादसा उनके साथ होने वाला. और वो 4 साल पहले भी यही बातें करते थे कि यार मुझे ऐसे ऐसे यू नो गैंगस्टर ने धमकी दी है, ये दी है, वो दी है. तो समझ नहीं आता है मीका जी, यू नो सिद्धू मूसेवाला के गाने में और लिरिक्स में समटाइम्स कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें थी, यू नो बंदूक एंड गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर ऐसा था. सो देर आर सम पीपल हु से कि यू नो रियल लाइफ एंड हिज म्यूजिक लाइफ गॉट ब्लर्ड.
and you know he mixed up many things. What would you say about that? There are people who say that his music became his real life in some ways. देखिए मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा अपने गानों में बयां करता है, आज मेरा गाना ऐसा गणपत बहुत पहले, वो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने गाना फिल्म के लिए बनाया, लोग देखना पसंद करते हैं, एक गणपत जलदारू ऐसे गाना एक आया था छूटा लोखंड वाला में, वो गाने का एक वो फिल्म का एक एक कॉन्सेप्ट था कि उनको ऐसा गाना चाहिए, इट डजंट मीन कि मैं ऐसा हूँ, पर अगर आदमी अपनी बातें लिख रहा है गाने के अंदर तो उसमें वो एक एटीट्यूड है, इट इज नॉट कि वो ऐसा है, यूथ सुनता है गाना, यूथ को अच्छा लगता है, उन्होंने गाने बना दिए, पर ये जरूर प्रॉब्लम है कि उनको किसी ने उनसे पैसे मांगे होंगे, उसने पैसे नहीं दिए होंगे, अब उसको जैसे किसी ने गोली मार दिया, वो कल को चार और सिंगर्स को बोलेगा ठीक है उसको मैंने मार दिया अब तेरी बारी, दिस इज व्हाट आई फील. So you're saying that it could have been some kind of extortion by some gang, some attempt to extort from him, because reason we are asking Mika ki ye jo murder jo hua hai Sidhu Moosewala ka, it has happened the day after his security was withdrawn. Iska matlab hai ki जिसने भी सिद्धू मूसेवाला को मारा है, he was aware कि उनका सिक्योरिटी विड्रॉ हो चुका है अभी. वो ही है ना, जैसे सिक्योरिटी विड्रॉ हुआ, आप दूसरे दिन ही तो हर न्यूज़ पे आ जाता है कि उस सिंगर की या उस पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी हट गई है. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों सिद्धू मूसेवाला, बाकी की तो सिक्योरिटी हटी हुई है. अब इसमें जिसने भी गेम चलाकी से खेली होगी उसको यही लग रहा है कि ठीक है यार मैं अपना काम कर देता हूँ, लोग बोलेंगे उसने करा होगा और इसके जरिए मैं बाकी सिंगर्स को बोलूंगा ठीक है जी कल मैंने उसको मारा है अब तुझे मारेंगे, अब पैसा देना शुरू कर. बट एक बंदे की जान चली गई, मुझे लगता है कि पुलिस को और सरकार को बहुत तगड़ा एक्शन लेना चाहिए. इट इज नॉट ओनली सिद्धू मूसेवाला, इट इज फॉर आम जो आम जनता बेचारी, वो क्या करे जाके. मीका रिसेंटली क्या बिजनेसमैन को भी वो टारगेट करेंगे? नहीं, रिसेंटली क्या सिद्धू मूसेवाला ने आपसे कोई बात कही थी किसी थ्रेट के बारे में? आप कह रहे 4 साल पहले किसी गैंगस्टर थ्रेट के बारे में बताया था रिसेंटली. हाँ, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, मुझे लंदन में मिले थे, उन्होंने मुझे बोला यार ये बहुत नया सिस्टम शुरू हो गया कि यार मैं हूँ, दो चार और सिंगर्स हैं जिनको ऐसे ऐसे कॉल आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उनके साथ कैसे डील करें. तो मैंने उनको वैसे ही बोला था कि यार तुम वहाँ रह रहे हो, तुम इधर ही आ जाओ, मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, तो यहाँ पे अपना जितना मर्जी गाना, यहाँ तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार रहते हैं, उनको तो कभी कोई धमकी नहीं आती और अपना काम करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं. मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने बहुत नाम कमाया, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आई फील वेरी सेफ इन मुंबई. तो बोलता नहीं मुझे गाँव में रहना है, मुझे गाँव से प्यार है, दिस इज व्हाट वो लास्ट टाइम बोल रहे थे. पर वो डर महसूस करते थे पंजाब में? 100% करते उनको जान. और ये सब तभी कोई सरकार भी अलग थी, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आज की सरकार को मैं ब्लेम करूं या पिछली सरकार को करूं, इसमें सरकार का दोष नहीं, इसमें एक ही चीज का है कि सरकार या पुलिस अगर इस चीज को सीरियसली ले ले कि हमने इसको ठीक करना है तो वो एक सेकंड का काम है. ये चीज दिल्ली या मुंबई में क्यों नहीं हो रही? तो उनको महसूस होता था, जान को खतरा महसूस होता था उनको, ये उन्होंने आपसे कहा है? 100% होता था. उनके अलावा और भी सिंगर्स हैं, मेरा एक छोटा भाई है गिप्पी गरेवाल, उसके साथ भी हुआ थी, उसको भी शायद सिक्योरिटी मिली थी पीछे, उसको भी यही प्रॉब्लम आई थी, उनको कॉल आ गया था, पहले वो पैसे पुसे मेरे ख्याल दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने फिर कंप्लेन करी, शायद अभी बंद हुआ. तो ये जो भी गैंगस्टर आते हैं ये अपना उनको जेल के अंदर से ही उनको धमकियां देते हैं और जब वो प्रोल पे या बेल पे बाहर आते हैं अपना फिर कान करते हैं फिर अंदर चल जाते हैं. मीका जी जस्ट यू नो कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चंस जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं दिस टेक्स द स्टोरी टू अ वेरी मच मोर सीरियस लेवल सर, सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस. यू आर सेइंग that Sidhu Moosewala had spoken to you and said that he and some other people like him, pop stars jo hain Punjab mein, they are facing threat. There is a threat to them. Yes, he said yes, that yes. to you personally. Four saal pehle unhone London mein mujhe bola tha ki yaar aise aise problem aagi hai, paaji aapke saath kabhi aisa hota hai. Main yaar main shayad Punjab mein kam raha hu lekin mere saath aise kabhi hua nahi, aur jab kabhi hua to main seedha complaint karta hu jaake jo mujhe acha lagta hai. But Punjab mein system shayad aisa nahi hua ki aap complain karo, kyunki जैसे परमीश वर्मा पे भी गोली चली थी आपको याद होगा जी, एक परमीश वर्मा का के सिंगर है, उनको भी अभी 3 साल पहले उन पे भी गोली चली थी जी. तो उनका भी यही था कि गैंगस्टर राम से अपने जेल से उसने फोन करा कि ऐसा कर दो, उसने नहीं करा तो उसको गोली पड़ेगी. मीका जी लास्ट वीक जब सिद्धू मूसेवाला वाज इन बॉम्बे एंड ही मेट विद यू, क्या इसके बारे में कुछ भी हिंट था? Did he talk about any threat, any concern about life in Punjab, any threat to him?
इसका कोई भी जो लास्ट मुंबई में आए थे अभी जस्ट 4-5 दिन के लिए आए थे, तो मेरी जोधपुर में शूटिंग चल रही थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि यार तुम मेरे घर पे रुका करो और यू नो तुम सोचो कि तुम्हारा पंजाब यहीं पे है और यही जो तुम्हें खाना पीना, जैसे हम पंजाबी लोग एक दूसरे की यू नो हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो वो यही बात कर रहा था कि यार यहाँ से कमाल है, हम आराम से घूम सकते हैं और इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिखता नहीं था, तो मतलब मैं अकेले ही गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये ऐसी पूरी खुल के बात उसने नहीं करी, बट आई विश कि मैं उसको मिल पाता या उसकी बात समझ पाता। क्या आप ये मानते हैं कि एक तरह से जो सिक्योरिटी कवर सिद्धू मूसेवाला का कल ही बस विड्रॉ हुआ था, ये बात सामने आना, कॉन्फिडेंशियल लिस्ट का सामने आ जाना, सबको पता चल जाना कि किन किन लोगों का सिक्योरिटी कवर विड्रॉ हो रहा है, एक तरह से जो लोग बैठे हुए थे शायद उनको एक मौका मिल गया बस? नहीं, मैं सर इतना बोलना चाहता हूँ, जिसको भी मौका मिला उसको मौका सिद्धू मूसेवाला क्यों मिला? 400 लोगों की सिक्योरिटी हटी है तो किसी के साथ भी होना चाहिए, ये हो सकता था। वाई सिंगर को टारगेट करो कि ठीक है यार इसको टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट है, इससे शोर भी मचेगा और कोई भरोसा भी, किसी पे शक भी नहीं होगा, अपना हम काम कर लेंगे, कल को हम ऐसे लोगों को और परेशान करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे। तो आपको लगता है कि और भी लोगों को इस तरह के आर्टिस्ट को जान का खतरा हो सकता है? मुझे लगता है कि 50% ऐसे चांसेस हैं कि बहुत सारे सिंगर बेचारे अभी जो भुगत रहे हैं वहां पे, तो शायद मुझे लगता है उनको सामने आना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए, पुलिस भी आपके हेल्प के लिए बैठी है, जब आप बताओगे नहीं आप डरते रहोगे समवेयर, अब डरना जरूरी भी हो गया, क्योंकि अगर हम सिद्धू मूसेवाला को देखते हैं उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ तो हर आदमी डर जाएगा। जी जी मीका, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे।